प्रदूषण को कम करने के लिए जयपुर नगर निगम द्वारा राजधानी जयपुर में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी किया जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए नगर निगम प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाता है। इस बार भी हमने सघन अभियान चला के पूरे जयपुर शहर में हम कम से कम 50,000 पौधे लगाने का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, सभी वार्डों के अंदर वृक्षारोपण हम करेंगे, जिसकी वजह से ये जो पोल्यूशन जो हो रहा है जयपुर शहर के अंदर, लगातार एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने में पेड़ बहुत ही सहायक हो सकते हैं। इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि पेड़ों के द्वारा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए एक काम तो ये कर रहे हैं। पोल्यूशन जो हो रहा है उसकी जो परसेंटेज है वो ट्रांसपोर्टेशन से है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जयपुर शहर में जो जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनीज की जो बसें चलती है उसको भी हम इलेक्ट्रिकल बसें, 300 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए हमने परसों बात करी है। हमारी MD साहब भी साथ में थी, सारे स्टाफ साथ में था। अब वो प्रपोजल्स राज्य सरकार के पास में बात करके हम जयपुर शहर में इलेक्ट्रिक प्लस डीजल की दोनों बसें चलाएंगे, ताकि इसमें पॉल्यूशन में कंट्रोल हो सके। और सरकार भी अति शीघ्र फैसला ले रही है कि जयपुर जो सिटी है वो नॉन व्हीकल जोन घोषित हो जाए।